नमस्कार, लक्ष्मी हिंदी जंक्शन में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता ही है कि दिवाली आने वाली है, तो दिवाली पर स्कूल और कॉलेजों में भाषण दिए जाते हैं या फिर दिवाली पर निबंध लिखा जाता है। तो आइए इस भाषण या निबंध को विस्तार से देखते हैं। शुरू करेंगे। आदरणीय प्रधान आचार्य जी, शिक्षक गणों और मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी को दिवाली की अनेक शुभकामनाएं। मेरी तरफ से भी आप सभी लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। भारतवर्ष त्योहारों का देश है, उनमें से दिवाली या दीपावली मेरा प्रिय और धार्मिक त्योहार है। दीपावली का अर्थ है दीपों की पंक्ति। दीपावली शब्द दीप एवं आवली की संधि से बना है। आवली अर्थात पंक्ति, एक ही सीक्वेंस। इस प्रकार दिवाली शब्द का अर्थ है दीपों की पंक्ति। इसे दीपोत्सव भी कहते हैं। दिवाली का पर्व कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। धनतेरस के दिन से ही दिवाली की शुरुआत हो जाती है। 5 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार को लोग धूमधाम से मनाते हैं। 14 साल का वनवास काटकर अयोध्या लौटे श्री राम के वापस आने की खुशी में दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन अयोध्या वासियों ने रामचंद्र जी के वापस लौटने की खुशी में घी के दीप जलाकर अमावस्या की काली रात को जगमगा दिया था और तभी से देश भर में ये पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस त्योहार के आने से पूर्व कई दिनों के लिए लोग तैयारी में जुट जाते हैं। लोग अपने घर साफ करते हैं, वे उन्हें रंग रोगन करते हैं। दुकानदार अपनी दुकान को दिवाली के अवसर पर दुल्हन की तरह सजाते हैं। अमावस्या की रात को सभी घरों में दीपक जलाए जाते हैं तथा लक्ष्मी जी की पूजा होती है। दिवाली से कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। घरों में अच्छे अच्छे व्यंजन बनते हैं, मिठाई खाई जाती है, बच्चे पटाखे व फुलझड़ियां चलाते हैं। लोग आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे के प्रति प्रेम प्रकट करते हैं। व्यापारी लोग इस दिन अपना बही खाता बदलते हैं। आमतौर पर स्कूल कॉलेजों और सरकारी कार्यालयों में दिवाली उत्सव पर 3 से 4 दिनों की छुट्टियों की घोषणा की जाती है। दीपावली धन धान्य सुख समृद्धि परंपरा खुशियों एवं ऐश्वर्यों का प्रतीक है। इस अवसर पर मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वे हमारे जीवन में सदा सुख समृद्धि बनाए रखे। आइए आज के दिन हम एक प्रण लें कि अपने वातावरण को हम दीपक से रोशन करेंगे, ना कि पटाखों से। आप सभी को दिवाली पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज तक के लिए इतना ही। इसी प्रकार से देखते रहिए और सीखते रहिए। फिर जल्द ही मिलेंगे। धन्यवाद।